नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक तो आप सबको पता है ही, मगर आज का ये जो वीडियो है, जैसा आप शीर्षक देख पा रहे हैं, यूनिक क्वेश्चंस विथ यूनिक ट्रिक, यानी कुछ ऐसे अनोखे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे कि जिसको आप देख तो लेते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। मगर मेरे दोस्तों, मेरा वादा है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको लगभग 8 से 10 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा सीआई से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मगर आप बनाने में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, या आप सही बना भी लेते हैं तो आपका बहुत ही समय किल हो जाता है, एग्जाम में ज्यादा समय ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे धांसू तबाही ट्रिक बताऊंगा जिसे आप बिल्कुल क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को रोज बनाओ, अभ्यास करो, मेथड को मेमोराइज कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, कहा गया है किसी धन पर 2 वर्ष का SI 200 रुपए तथा 2 वर्ष का CI 205 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। तो मेरे बच्चों, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 2 वर्ष का SI कितना है मेरे बच्चों? 200 रुपए, और 2 वर्ष का CI कितना है? 205 रुपए। छोटे डिजिट में आप तो इसे वर्बली भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। मगर मेरे बच्चों, अगर डिजिट बड़ा आ जाए एग्जाम में तो फिर उसे वर्बली कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, उसे अच्छे से देखिएगा। देखो मेरे बच्चों, 2 साल का SI और 2 साल का आपको CI पूछा गया, दिया गया है, तो ब्याज की दर आपसे पूछी जा रही है। कुछ मत करना, इसे पहले वाले को मान लो, SI को X और इसे मान लो Y। तो ट्रिक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार है ट्रिक। ट्रिक हो जाएगा 2 × Y − X पूरे के बटे में X × 100, क्योंकि ब्याज का दर पूछा जा रहा है, बस इसे याद रखना। और उसके बाद यहां कुछ भी डिजिट आ जाए एग्जाम में, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे मेरे भाई। तो देखो क्या हो गया, 2 है, Y − X, यानी 205 में से 200 को घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 बटे में हो जाएगा 200 × 100। और अब आपको प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 2-2 कट गया, यानी आंसर आ गया 5%। तो देखिए कितनी चुटकियों में हमने इसे सॉल्व कर लिया। आ गई बात समझ में? बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक आराम से देखना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन इसका सब अलग अलग है और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, और आपको मैं चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चों, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत ही मजेदार है, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कहा गया किसी धन पर 2 वर्ष का, अब यही क्वेश्चन बच्चों मन में अराइज होता है कि 2 वर्ष का, यानी बच्चे यहां गड़बड़ी कर देते हैं, उसे 2 वर्ष मान लेते हैं। जी नहीं, ये 2 वर्ष का मतलब सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड बोले, थर्ड बोले, फोर्थ ईयर बोले, होता तो एक ही साल है ना मेरे भाई, बस इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना। तो 2 वर्ष का SI 100 रुपीज है और 2 वर्ष का CI 105 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। तो फिर से वही तरीका, SI को X मान लो और CI को Y। अब देखो, 2 यानी 1 ही वर्ष का अगर पूछा जाए तो आपके लिए ट्रिक हो जाएगा Y − X / X × 100। बस सीधी सी बात है, और आपको कुछ समझना ही नहीं है। और जहां यहां पर अगर 2 साल बोल दे तो आपको यहां पर 2 लगा देना है। आ गई बात समझ में? देखो, ट्रिक भी और कंसेप्ट भी दोनों क्लियर। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, 105 − 100 / 100 × 100 कर दोगे। तो देखो, ऐसे छोटे छोटे सवाल तो भरवली हो जाएंगे, यानी कि जब 2 साल का बोला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों को घटा देना है। और नीचे में देखिए, अगर SI 100 है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए, 105 में से 100 गए, कितना हो गया मेरे भाई? 5%। तो ब्याज की दर यहां पर कितनी आ गई मेरे भाई? 5%। आई होप आपको मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलो मेरे बच्चों, इसी जज्बे से आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल देखिए पल पल में क्वेश्चन बदल रहा है दोस्तों, और हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी ट्रिक चलेंगे दोस्तों, एकदम यूनिक ट्रिक है ये, देखिएगा ध्यान से। कहा गया है किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्षों का SI दिया है 400
और 2 वर्ष का सीआई दिया है 410 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक से एक तरीका जानते हैं बनाने का, मगर मेरे बच्चों दिमाग खर्च करना पड़ता है ना, तो मैं चाहता हूं कि कुछ इस टाइप के जो यूनिक क्वेश्चन है उसे आप बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएं, याद रखें, ताकि एग्जाम में 2-2 सेकंड में आंसर निकले। तो देखिए दोस्तों, जब आपको मूलधन पूछ दिया जाएगा तो आपको ट्रिक हो जाएगा, मूलधन के बराबर में आप क्या लिखोगे, तो देखो एसआई का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर मैंने फिर से बताया, इसे मान लो एक्स और इसे मान लो वाई, ये तो बिल्कुल वही एक ही कंसेप्ट को लेकर आगे चल रहा हूं। तो आपको करना क्या है, जब मूलधन पूछा जाएगा 2 वर्ष का है तो आप करोगे यहां एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दोगे 4 × y − x, बस काम खत्म मेरे भाई। तो ये क्या है भैया, एक्स स्क्वायर बटे में 4 × y − x, एकदम ट्रिक की ही आज बात करूंगा, कोई चीज और नहीं। तो एक्स स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 400 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख दूंगा भाई, और उसके बाद यहां 4 × y − x, तो 410 में से 400 गए तो कितना हो गया, 10 हो गया। देखो 0 0 कट गए, 4 से कट गए, ये कितने बार में मेरे भाई, 10 बार में। तो आंसर आपका हो जाएगा 4000 रुपीज। बोलो भैया है कोई ऐसा ट्रिक, कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, चुटकियों में सवाल सॉल्व हो रहा है मेरे बच्चों, ध्यान देना और देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, बढ़िया से देखिए, बिल्कुल सरसरी निगाहों से, कि क्वेश्चन को आप देख करके एकदम फोटो छप जाए आपके आंख में, ताकि ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखो तो इस मेथड से चुटकियों में उड़ा दो। आओ चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले ही क्वेश्चन का फिर से वही रूप। देखिए यहां कहा जाएगा दूसरे वर्ष का एसआई 200, दूसरे वर्ष का सीआई 210, यानी कि वो सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, ना कि 2 ईयर्स की। यहां बहुत डिफरेंस है बच्चों, अच्छे से समझना। तो देखिए ट्रिक हमारा वही हो जाएगा, मूलधन का कुछ नहीं होगा, क्या करना है एक्स स्क्वायर बटे में वाई माइनस एक्स, और अगर 2 साल बोलेगा तो यहां पर आपको 2 × 4 यहां पर पुट कर देना है, बात खत्म। और यहां पर कोई ईयर नहीं है, एक ही साल का बात कर रहा है दूसरे साल का, तो आप सिंपली यहां पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर कोई भी 2 या 4 की जरूरत नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये इसे याद, अब देखो ये भी याद हो गया कि एसआई माने एक्स, सीआई माने वाई, सिंपल सी चीज है। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 200 का 2 × 4 और ये 1 2 3 4 0, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यानी कि देखो 10 हो गया, तो 1 0 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपए। आ गई बात समझ में, देखो और ज्यादा अभ्यास हो जाए और डिजिट आपको मन लायक मिल जाए जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए आप वर्बली अब ऐसे बना लोगे। और कितने सारे बच्चे इसमें घटाते हैं, जोड़ते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वैसे आप कुछ बेवकूफी करनी ही नहीं है, हमें बस क्वेश्चन को देखो और आंख से ही उड़ा दो मेरे भाई, तब जाके एसएससी क्लियर होता है मेरे भाई। तो देखो मेरे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और मुझे इतना तो यकीन है मेरे बच्चों कि क्वेश्चन देख करके आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन में नहीं होता है, या इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, और सारे के सारे मन के दिक्कत को आपके दूर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है, कोई धन 2 वर्ष में सीआई की दर से 8,820 रुपया हो जाता है, और वही धन 4 वर्ष में 12,005 रुपये हो जाता है। तो पूछा गया वह धन क्या है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा गया है। तो मेरे बच्चों गौर करने वाली बात यहां यह है कि ये देखिए 8,820 रुपए ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, और आपको प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष में कोई धन सीआई की दर से 8,820 रुपया हो गया, इसका मतलब कि ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन भी है और प्लस 2 वर्षों का ब्याज भी है। क्लियर है मेरे भाई? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, चुटकियों में सॉल्व करूंगा मेरे बच्चों, चुटकियों में। तो देखो ट्रिक क्या होगा कि क्वेश्चन ऐसे होगा कि 2 साल में सीआई के दर से इतना रुपया और 4 साल में इतना, यानी 2 और 4 रहेगा, तो आपको क्या करना है, वह धन निकालना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल है, ये एक्स पहले वाला एक्स और ये हो जाएगा वाई, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में वाई, यानी 8820 को 2 बार लिख दो, और यहां पर आपको वाई को यहां 1 2005 लिख दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे करिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6480। मैंने यहां देख पहले से कैलकुलेट कर रखा है माफ कीजिएगा, ताकि समय बचा सकूं, इसलिए मेरे बच्चों मैंने ये लिख दिया। अब देखो बड़े से बड़ा डिजिट भी आ जाए तो कटा तो सकते हैं, और यही सोचो अगर ऐसे डिजिट को अगर आप बाय प्रोसेस बनाओगे या कोई और मेथड से बनाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी मेरे बच्चों, और कैलकुलेशन में जो गलती होगी सो अलग। तो देखो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, यूनिक ट्रिक बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझ लेना।
तो देखो मेरे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, डिजिट इजी है, इसलिए इसे ये मत सोचना कि इसे मैं और मेथड से भरभली बना लूंगा, बना भी सकते हो, मगर एक बार ये तरीका जरूर देख के जाना। देखो दोस्तों, कहा गया है किसी धन पर 2 वर्ष का एसआई 400 रुपया है और ब्याज दर दिया गया 5%, तो इतने ही समय यानी कि ये 2 साल के लिए ही इसी दर से यानी इसी 5% की दर से सीआई क्या होगा? क्या कहा गया मेरे बच्चों? सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ट्रिक देखो, आपको एसआई दिया है 400 और आपको पता है कि एक साल में फर्स्ट ईयर में एसआई सीआई बराबर होते हैं और दूसरे साल से सीआई हमेशा एसआई से ज्यादा होता है, ये तो आपको पता है। तो जब 2 साल में एसआई 400 है तो ऑब्वियसली सीआई इससे कुछ ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा? तो कितना ज्यादा होगा याद रखना, 1+R यानी कि 5/100 इतना ज्यादा होगा। तो इसको इससे गुणा कर दो जो आ गया, बस आपका आ जाएगा सीआई। तो देखो ये हो गया 400 × 105/100 कैंसल, 4×5=20 और यहां हो जाएगा आपका आंसर 410 रुपए। तो देखो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी एक मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 1+R/100, मगर देखो यहां 2 साल का बात हो रहा तो यहां इसे 2 कर दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 200 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप कटा दो 2×2=4 तो सिंपल हो जाएगा, ये कितना 2 बार में गया तो यानी कि हो जाएगा 410 रुपए। तो देखो मेरे भाई, ये सिंपल सा एक तरीका था, तो देखो मेरे भाई ये एकदम सिंपल तरीका था, ये 200 तो यहां पर मैं 2 कर देता हूं ताकि तो तभी तो होगा 410, तो देखो ये हो जाएगा 410 रुपए। एकदम सिंपल टेक्निक है मेरे भाई, एसआई यहां लिखो 1+R/200, 100 नहीं करना है, 200 करना है, क्योंकि 2 साल के लिए पूछा जा रहा है, काम खत्म आपका। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन दूसरे 2 साल का एसआई दिया है और उसी दर से उसी धन का 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, 2 सेकंड में निकालना है, इस तरीके को याद रखिएगा। देखो मेरे भाई, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन का ही एकदम रूप है, परीक्षा में आपको मैंने बताया वैसा आ गया, ऐसा तो क्या करोगे मेरे भाई। तो देखो सिंपल सा तरीका है, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई, उधर आपको एसआई दिया था तो आपसे सीआई पूछा था, अब यहां पर आपको सीआई दे देगा और एसआई पूछेगा तो क्या करोगे? तो एकदम बेस्ट तरीका, देखो मेरे बच्चों, देखो याद रखना कि आपको मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि एसआई कम होता है, सीआई ज्यादा होता है, तो ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं और कम के लिए हम भाग करते हैं। तो देखो सीआई 2 वर्ष का दिया है 5% के दर से 205 रुपया, तो आपको पूछा गया है उसी दर से उतने ही समय का एसआई क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, 205 को आपको डिवाइड कर देना है उसी 1+R/200 से। जब आपको सीआई पूछेगा तो इस वाले पोर्शन को यहां एसआई के साथ गुणा कर देना है, और जब सीआई दिया है और एसआई पूछेगा तो बस 1+R/200 को से आपको भाग दे देना है सीआई में। तो आप देखो मेरे भाई, यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आर के जगह पर हम क्या बैठा देंगे मेरे भाई, 5 पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 205/200 और पूरे का बटा 200, तो देखो 205 कैंसल, 200 ऊपर जाएगा तो आपको वैल्यू आ गई कि एसआई क्या होगा, 200 रुपए। क्लियर है मेरे बच्चों, एकदम वाइस वर्सा है एक दूसरे का, एकदम विपरीत है, अगर एसआई पूछा जाएगा तो इस पोर्शन को यहां गुणा कर देना, यहां एसआई होगा, और अगर सीआई दिया रहेगा एसआई पूछेगा तो आपको क्या करना है, उसी पोर्शन को यहां इस नीचे भाग दे देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखो मेरे बच्चों, अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर प्रकार के परीक्षा में पूछा जाता है, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, 4000 रुपए पर 2 वर्ष का 20% की दर से एसआई तथा सीआई का अंतर। तो मेरे भाई कितने वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का, तो देखिए 2 वर्ष का अंतर का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक भी आप मान सकते हैं, PR²/100² ये अंतर यानी कि डिफरेंस, यहां मैं डी लिख देता हूं, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR²/100². तो देखो पी आपको दे दिया है मेरे बच्चों 4000, पी यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन, और आर का मान दिया है 20%, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और यहां नीचे तो 100 स्क्वायर है ही,
तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जीरो कट गए, चार चौके 16, 160 रुपया आपका अंतर निकल के आ गया दो वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। आई होप आपको मजा आया होगा। बिल्कुल आप बहुत बच्चे इसे जानते भी होंगे, तो ये सब कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है जो एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिक क्वेश्चन विद यूनिक ट्रिक हमें इसे सॉल्व करना है। आ गई बात समझ में, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है मेरे भाई। देखिए कहा गया 10,000 रुपए का तीन वर्ष का 5% की दर से सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा। तो दो वर्ष का ट्रिक आपको याद हो गया, तीन वर्ष का भी मैं बिल्कुल अभी इसी वीडियो में याद करा दूंगा। तो मेरे बच्चों डिफरेंस होता है तीन वर्ष का, देखिएगा ध्यान से, पी आर स्क्वायर याद रखिएगा, पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। हमें पता है ये कितने साल का होता है, दो साल का, इसी में एक साल और हमें बढ़ा देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ आपको 300 प्लस आर ऊपर लिख देना है और नीचे में 100 और दे देना है। तो देखो रटना नहीं है, ये हो गया दो साल का, और तीसरे साल के लिए तो 100 + 300 प्लस आर बटे में 100 लिख दो बस मेरे भाई, और कुछ मत करो। अब यहां पर मान बैठा दो, तो पी का मान हो गया 1, 2, 3, 4 40 यानी 10,000, आर का मान हो गया 5%, 5 का स्क्वायर 25, यहां हो गया 300 प्लस 5 यानी 305, अब बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सारे जीरो आ गए है ना। तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब देखो 25 से 4 बार में गया 100, 4 से भाग दो 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 यानी 76.25 रुपया देखिए मेरे भाई आ गया तीन वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर। तो देखिए आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये भी आता है। तो देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक समझा दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मेरे बच्चों जो उससे भी जबरदस्त है। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है एकदम तबाही है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने यहां लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया होगा एग्जाम में, बिल्कुल आया दोस्तों, बस इसे अच्छे से देखिएगा। कहा गया है कोई धन सीआई की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 8 गुना होगा। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष, तो यहां लिख दो 15 वर्ष में ये धन क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है मेरे बच्चों, सिंपल सी चीज है। तो कितने वर्ष में, यहां क्वेश्चन मार्क है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होने का मतलब अब क्या है कि, तो देखो पहले था दो गुना, अब पूछा जा रहा 8 गुना, तो ये सोचो ये 2 है और ये क्या है 8 है, तो इस 8 को इस 2 के रूप में तुम कैसे लिख पाओगे। तो मुझे पता है मैं इसे 2 का क्यूब लिख दूंगा तो 8 हो जाएगा ना। तो देखो ये 2, 2 को कैंसिल कर दो, ये जो पावर बचा इसे ही दिए गए वर्ष से गुणा कर दो, तो 15 × 3 = 45। तो सिंपल सी चीज है कि वो जो धन है वो 15 × 45 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो मेरे बच्चों बहुत मेहनत लगता है ऐसे तहलका वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो पूरा इसे अच्छे से देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसे फुल वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए लॉजिक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों रणभूमि की तरफ से जय हिंद जय भारत।